Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नियो और आपका स्वागत है मेरे चैनल में. आज मैं आया हूं एक मुद्दे पे, टॉपिक पे जो लेके बेसिकली बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कुछ सवाल. कुछ चीज़ है जो उन लोगों को हमेशा परेशान कर रहा था और वो है हमारे डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के बारे में. अभी डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन क्या है? बेसिकली जैसे एफएल स्टूडियो हो गया, प्रो टूल्स हो गया, एबल्टन हो गया और ऐसे सब सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, म्यूज़िक बना सकते हैं, कंपोजिशन कर सकते हैं, वही सब चीज़ें. तो इसके ऊपर बहुत लोग को डाउट था कि कौन सा सबसे अच्छा है ये सब. तो मैंने कुछ 10 पॉइंट लिखे इसके बारे में. तो इसमें शायद ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ यही नॉर्मली बकचोदी है, इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन आपको फ़ायदा देगा जिसको इसके बारे में मालूम नहीं है. तो अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो पूरे एंड तक और ये 10 पॉइंट मैं बराबर बताऊंगा तो शायद आपको हेल्प भी कर सकता है ये जो टॉपिक है उसके ऊपर. तो व्हाट इज़ अ डॉ? जैसे मैंने बताया, डॉ का मतलब है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन. तो इसमें हम लोग एफएल स्टूडियो ले सकते हैं हम लोग, फिर प्रो टूल्स हो गया, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है प्रो टूल्स, जो हर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो है उधर मिलेगा आपको. फिर उसके बाद एबल्टन हो गया, लॉजिक प्रो एक्स है, और ये लॉजिक प्रो एक्स जो है मैक में ही काम करता है, वो विंडोज़ में काम नहीं करेगा. ओके, फिर उसके बाद हमारे पास है रीपर है जो फ्री है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना कंफर्टेबल रहते हो उसके हिसाब से. क्यूबेस है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर. अभी सेकंड क्वेश्चन मेरे को बहुत लोग ये पूछते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा है. अभी मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा, अगर मैं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ ट्राई किया है. अभी ट्राई तो करना बनता ही है, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो, कुछ भी, अगर आप कार लेना है या बाइक लेना है, तो आप डेफिनेटली आप बहुत लोगों से पूछते हो उसका क्वालिटी कैसा है, हीरो होंडा अच्छा है या कावासाकी अच्छा है या यू नो सुजुकी अच्छा है, ऐसे सब. तो हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी कौन सा अच्छा है और कंफर्टेबल कौन सा है, बजट कौन सा है हमारा, उसके हिसाब से हम खरीदते हैं. अब आप मर्सिडीज़ बेंज नहीं खरीद सकते या BMW नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका बजट उतना नहीं है, तो उसके हिसाब से ही आप लोग खरीदेंगे. लेकिन सब चीज़ जो काम करता है सेम चीज़ है. अब गाड़ी कोई भी ले लो आप, अगर आपको सफदरजंग से, मैं दिल्ली का बात बता रहा हूँ, दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग, सफदरजंग से लेके आपको मयूर विहार तक जाना है, तो आप कोई भी गाड़ी में बैठो, ऑटो रिक्शा में भी बैठो, आप पहुँच जाएंगे. मतलब मकसद वही है कि हमें मयूर विहार तक पहुँचना है, ठीक है, सफदरजंग से मयूर विहार तक पहुँचना है. अभी सेम चीज़ ये डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन का भी यही है काम, कि आपका मकसद क्या है. आपका मकसद है म्यूज़िक बनाना, आपका मकसद है रिकॉर्डिंग करना या मिक्सिंग मास्टरिंग करना, ये सब चीज़ें हर सॉफ्टवेयर में है, यहाँ तक कि छोटे से लेके बड़े से बड़े तक सॉफ्टवेयर में, जो फ्री सॉफ्टवेयर भी मिलता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जो है उसमें भी है और सबसे बड़े से बड़े में भी है. मेन मायना होता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे और आपका एक्सपीरियंस आप उसमें डाल के आप उसमें प्रोफेशनल कैसे बनेंगे. तो मैं यही बोलूँगा, अभी मैं एफएल स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, लेकिन स्टूडियो में जब काम करता हूँ मैं प्रो टूल्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें वर्क अराउंडबिलिटी थोड़ा अच्छा रहता है मेरे को, इसलिए मैं इसलिए वो यूज़ करता हूँ. अगर मेरे पास उतना बजट नहीं रहता है, स्टूडियो के पास उतना बजट नहीं रहता, डेफिनेटली हम लोग कुछ और लेते, जैसे एफएल स्टूडियो हो गया, एफएल स्टूडियो लेता है जो एक टाइम पेमेंट है, और प्रो टूल्स अभी जो है कि हर साल में उनका कुछ परपेचुअल एग्रीमेंट रहता है, उसमें पे करना पड़ता है. और लॉजिक प्रो है वो भी एक टाइम पेमेंट है, जो मैक में काम करते हैं और हम लोग स्टूडियो में मैक काम करते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, अगर आपको किसी में भी शुरू करना है, क्यूबेस में भी शुरू करना है या एफएल स्टूडियो में शुरू करना है, आप काम शुरू कीजिए, ठीक है. अभी तीसरा क्वेश्चन मेरे को जो लोग पूछते हैं वो है, शुड आई हैव अ साउंड कार्ड और नॉट? अभी साउंड कार्ड चाहिए या मिक्सर चाहिए, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत लोग पूछते हैं. अगर आपके पास बजट है साउंड कार्ड लेने का, आजकल बहुत सस्ते से सस्ता साउंड कार्ड भी आता है, जैसे बहरिंजर का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी इधर, UMC 22 बोल के, बहुत ही सस्ता साउंड कार्ड, जो 200 दिरहम का मैंने लिया था या 180 दिरहम हो गया अभी, जो हो सकता 3000 या 4000 रुपए का इंडिया में भी मिलता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं पे भी आपका जो रेट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा और बहुत ही सबसे सस्ता है. और अभी जो आप मेरा आवाज़ भी सुन रहे, रिकॉर्डिंग जो सुन रहे हैं, वो एक्चुअली UMC से हो रहा है, तो वो हो गया. फिर एक माइक है, माइक भी आजकल बहुत सस्ते से सस्ता आपको मिल सकता है, और उसमें से भी अभी हमने जो
گانا کمپوز کیا ہے اور بنایا ہے. مجھے معلوم نہیں ہے ابھی پرشن نے یا عادل نے یا بہت آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے بھی سیمپل بھیجا مجھے, کہاں سے ریکارڈنگ کر کے بھیجا مجھے ابھی تک نہیں معلوم. لیکن اس کو ہم لوگ کیسے کلین کریں گے, کیسے کام کریں گے, اس کو ہم لوگ پوسٹ پروڈکشن میں کیسے یوز کریں گے, وہ معنی دیتا ہے. تو اس کا نالج ہونا ضروری ہے. ہاں لیکن آپ کے پاس اچھا مائک ہو, اچھا ساؤنڈ پروفنگ ہو, تب تو ڈیفینیٹلی کوالٹی اور اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ کام کر سکتے ہیں, یہ نہیں کہ کام نہیں کر سکتے. آپ کبھی بھی اپنا کام اس میں مت روکنا کہ میرے پاس اتنا سب چیزیں نہیں ہیں, وہ نہیں ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے. جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا انویسٹمنٹ آپ کریں گے وہ کافی ہوتا ہے اپنا کام شروع کرنے کے لیے. تو ساؤنڈ کارڈ اگر ہو تو اچھا ہے, کیونکہ ساؤنڈ کارڈ جب آپ کے پاس ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا آدھا پریشر جو ہے کمپیوٹر کا جو ریزورسز ہے وہ کم ہو جاتا ہے, وہ ساؤنڈ کارڈ لے لیتا ہے اپنا ریزورسز کا جو پریشر ہے وہ ساؤنڈ کارڈ لے لیتا ہے. تو آپ کو کیا اور بھی ریزورسز ریم یہ سب جو ہے اپنا کمپیوٹر میں سافٹ ویئر میں کام کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہو. اس لیے ساؤنڈ کارڈ اگر ہوگا تو اچھا ہے, انویسٹمنٹ اچھا ہے. نہیں تو فی الحال اپنا جو کمپیوٹر کا جو ساؤنڈ کارڈ ہے اس میں سے بھی آپ شروع کر سکتے ہو, لیکن اس میں زیادہ ورک اراؤنڈبلٹی نہیں ہوگا. جیسے مائک لگانا ہو, بڑا مائک لگانا ہو, کمپریسر والا مائک لگانا ہو, جیسے یہ سوری کنڈنسر والا مائک لگانا ہو, جیسے یہ مائک ہو گیا, یہ مائک لگانا ہو آپ کو, وہ نہیں لگا سکتا آپ اپنے لیپ ٹاپ میں. پھر چوتھا کوسچن جو ہے, شوڈ آئی ہیو اے مکسر. ابھی مکسر کیا اینالاگ بھی ہے ڈیجیٹل بھی ہے. ابھی اینالاگ مکسر بھی اگر آپ اینالاگ مکسر لیں گے تو اینالاگ مکسر میں آپ ریکارڈنگ ایسے نہیں کر سکتے جیسے ابھی سیدھا ڈائریکٹلی ہم لوگ لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں ہم لوگ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یا تو یو ایس بی کے ایک آؤٹ پٹ ہونا چاہیے, آج کل کے مکسر میں آتا ہے سیمی ڈیجیٹل اور اینالاگ کر کے مکسر آتا ہے, اس میں آپ کر سکتے ہو. نہیں تو اینالاگ مکسر سے اگر آپ کو ریکارڈنگ کرنا ہے تو آپ کو ایک ساؤنڈ کارڈ ہونا ضروری ہے. تو اینالاگ سے جو آؤٹ پٹ لے کے آپ ڈیجیٹل اس میں ساؤنڈ کارڈ میں ڈال کے آپ ریکارڈنگ کر سکتے ہو. نہیں تو اگر ایک ڈیجیٹل مکسر لیں گے, اگر آپ کے پاس بجٹ ہے دکھانے کے لیے تو صحیح ہے یار ڈیجیٹل مکسر, لیکن ڈیجیٹل مکسر ہونے کا بالکل ضرورت نہیں ہے. چھوٹے موٹے اسٹوڈیو میں یار آپ چھوٹا پروڈیوسر ہو یا گھر پہ بیٹھ کے کام کرو, ہوم ریکارڈنگ اسٹوڈیو میں آپ کو مکسر کا ضرورت نہیں. آج کل سب کچھ چھوٹا ایک ساؤنڈ کارڈ سے ہی کام ہو جاتا ہے. پھر پانچواں کوسچن مجھ سے پوچھتے ہیں بہت سارے لوگ, شوڈ آئی نو ہاؤ ٹو پلے میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹ اور کی بورڈ ٹو بیکم اے پروڈیوسر. ابھی اگر آپ کو پروڈیوسر بننا ہے یا کمپوزیشن کرنا ہے تو آپ کو میوزک کا نالج تھوڑا بہت ہونا ضروری ہے. میوزک کا نالج نہیں ہے تو پرابلم ہو جائے گا. اگر آپ کی بورڈ کھیلنا نہیں جانتے یا آپ گٹار کھیلنا نہیں جانتے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن میوزک کا نالج ہونا ضروری ہے. یہ جو کی بورڈ کھیلتے ہیں, جو گٹار کھیلتے ہیں, یہ لوگ بھی سب سے پہلے میوزک کا جو نالج ہے, بیسک نالج سیکھنے کے بعد ہی یہ لوگ یہ انسٹرومنٹ کھیلتا ہے. وہ ایک اسکل ہوتا ہے, جو انسٹرومنٹ کھیلنا ہوتا ہے وہ ایک اسکل ہوتا ہے, وہ ایک ہنر ہوتا ہے, وہ ہم لوگ پریکٹس کر کے ہم لوگ بڑھاتے ہیں. لیکن جو بیسک تھیوری ہوتا ہے میوزک کا, جیسے آپ کا اسکیلز ہو گیا, سا رے گا ما پا دھا نی سا, پھر کارڈز ہو گیا, یہ اسکیلز میں سے پھر کارڈز جو نکلتا ہے اس کو سب سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں نے بتایا میرا بہت ویڈیوز ہے اسکیلز اور کارڈز کے بارے میں, بہت ہی سمپل ہے. اگر ایک بار ہم لوگ وہ سیکھ گیا اور ہم لوگ ہر دن پریکٹس کریں گے بہت, اور ہمارا کان کے لیے بھی ٹریننگ اچھا ہے وہ سیکھیں گے, تو ہم لوگ آگے اور مطلب پروفیشنل ہو سکتے ہیں ہم لوگ. تو بیسکس نالج ضروری ہے میوزک کے لیے, ٹھیک ہے. اور چھٹا کوسچن جو ہے, کین آئی یوز اے کریک ورژن. یہ بہت لوگ کا کوسچن ہے اور بہت لوگ مجھے لائیو میں پوچھا بھی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, سر مجھے اس کا کریک دے دو, میرے کو یہ دے دو وہ دے دو. دیکھو کریک ورژن آپ کو کہیں پہ بھی مل جائے گا, آن لائن بہت سارے ٹورنٹس ہیں, ادھر ادھر سے سب کچھ مل جاتا ہے. لیکن کریک ورژن کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اپڈیٹس نہیں ملے گا. دوسرا چیز ہوتا ہے کہ کریک ورژن میں وائرسز ہوتا ہے, آپ کا جو ڈیٹا رہے گا یا آپ کا ڈیبٹ کارڈ ہو گیا, کریڈٹ کارڈ ہو گیا, وہ سب یہ جو کریک جو کرتے ہیں وہ لوگ اس میں وائرس ڈالتے ہیں, نہیں تو ٹروجن ورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو, ٹروجن ورم ڈالتے ہیں اور وہ آپ کا ڈیٹیلس نکال کے کبھی بھی آپ کا اکاؤنٹ یا کچھ بھی ہیک کر سکتا ہے. نہیں تو آپ کا جو ای میل آئی ڈی ہو گیا, کچھ بھی ہو آپ کا ہیک کر سکتا ہے, یا فیس بک اکاؤنٹ ہو گیا, کچھ بھی ہیک کر سکتا ہے. تو کریک ورژن اٹس ناٹ سیف, سب سے پہلی بات ہے کہ کریک ورژن سیف نہیں ہے. دوسرا چیز جو ہے, کریک ورژن جو ہے چوری ہو گیا, کیونکہ وہ ایک ڈیجیٹل تھیفٹ ہو گیا بیسکلی بولے تو. کیونکہ یہ جو سافٹ ویئر جو بناتے ہیں یہ لوگ بھی اپنے پیٹ کے سوال سے یہ لوگ بناتے ہیں, جو کام کر رہے کہیں کوئی جگہ پہ, جیسے امیج لائن ہو گیا ایف ایل اسٹوڈیو کا, وہ ایک بڑا سا کمپنی ہے. ابھی پہلے انہوں نے بھی چھوٹا شروع کیا تھا, بعد میں ابھی تھوڑا بڑا کمپنی ہو گیا, کیونکہ ایف ایل اسٹوڈیو ابھی بہت بڑے بڑے پروڈیوسر یوز کر رہے ہیں. تو وہ لوگ کو بھی
जो सैलरी मिलता है, हम लोग जब खरीदते हैं तभी जाके उनको सैलरी मिलता है, तो वो भी सोचना चाहिए हम लोग को एक इंसानियत के तौर पे कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर जो ख़रीदेंगे तो हमको ही फ़ायदा होता है, क्योंकि हम लोग जब बनाएंगे हम बाद में उसको बेचने का कोशिश करते हैं, हम अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि आप ओरिजिनल वर्जन ले लें, और वो एक टाइम फ़ी है, आपको ज़िंदगी भर तक अपडेट मिलता है। FL Studio का क्यूबेस भी हो गया, वो एक टाइम फ़ी है, बाद में एक नया उसका अपडेट आता है तो शायद उसका एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा होता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। और दूसरे एक और चीज़ है, आजकल जो है क्रैक वर्जन जो भी यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को डायरेक्टली आजकल जो कंपनीज़ है वो लोग को सीधा पहले मेल भेज देते हैं वार्निंग का, उसके बाद वार्निंग का मेल नहीं आता सीधा आपके पास पुलिस आएगा, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई लिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से करना दोस्तों, ये बहुत अहम वाला टॉपिक है, बहुत लोग को ऐसे सब कुछ हो चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है सैम्पल्स, हम लोग सैम्पल्स लूप्स यूज़ कर सकते हैं कि नहीं हमारे प्रोडक्शन में। सैम्पल्स और लूप आप यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम चीज़ है, अगर आप प्रोडक्शन करते हो कुछ भी करते हो आप खुद अपना सैम्पल्स और लूप्स बना के आप बेच सकते हो, उसमें भी आप पैसा कमा सकते हो। सेम चीज़ ये लोग भी करते हैं, सैम्पल्स और लूप जो बनाते हैं रिकॉर्डिंग करके या कुछ भी मेलेडी हो गई ये सब बेचने का जो कुछ करते हैं, और आप वो अगर किसी से YouTube से निकाले इधर से निकाले आप डाल दिया तो डेफिनेटली आपको उसका कॉपीराइट मिलेगा। अगर आपने ख़रीदा नहीं है तो आपको कॉपीराइट मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो उनका काम है, उनका क्रिएटिव आइडिया है, उनका क्रिएटिव थिंकिंग है और उनका क्रिएटिव मेलेडी है, वो आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट देयर परमिशन। अगर वो लोग आपको परमिशन देते हैं आप पूछ सकते हो परमिशन के लिए, परमिशन देते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आजकल कॉपीराइट क्यों होता है? यूट्यूब से जब निकालते हो आप तो अपने यूट्यूब में जला लोगे तो वो लोग कमाएंगे, और दूसरा कॉपीराइट होता है कि अगर वो लोग कमाएंगे नहीं तो वो लोग म्यूट कर देंगे, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई लिया जा सकता है। तो जब सैम्पल्स और लूप यूज़ करते हो थोड़ा ध्यान देना। फिर आठवां क्वेश्चन मेरे को बहुत लोगों ने पूछा, FL Studio, Cubase, Logic, Pro Tools, Ableton, Reapers और Studio One इन सब में से सबसे अच्छा कौन सा है? मैं बोलूँगा सब अच्छा है, क्योंकि आपका जो बजट है, जैसे मैंने पहले ही भी बताया, आपका जो बजट है आपका बजट से आप काम शुरू कीजिए। अगर आपको फ्री चाहिए, फ्री वाला सॉफ्टवेयर जैसे रीपर हो गया, वो भी हो गया, वो मिल सकता है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उनको डोनेट कर सकते हो। रीपर ऐसे एक सॉफ्टवेयर है, फिर FL Studio है जो थोड़ा और अभी थोड़ा महंगा हो गया, लेकिन फिर भी FL Studio बहुत अच्छा है, बहुत कुछ काम, इसलिए मैं FL Studio में अभी ऑनलाइन दिखाता हूँ। मैं FL Studio शायद एक साल के बाद यूज़ कर रहा हूँ या दो साल के बाद, लेकिन अभी ज़्यादातर मैं अपने जो प्रोडक्शन किया था अभी आपने देखा होगा मेरे लाइफ पे, मैंने FL Studio से ही पूरा बनाया है, ठीक है। फिर मिनिमम कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर अ सेटअप, अभी मिनिमम कॉस्ट आपका बजट डिपेंड करता है, आपका जो सिस्टम आपका जो बजट है, जैसे आपके पास अगर 5,000 हो, 3,000 हो, 10,000 हो या 1,00,000 हो, उसके हिसाब से भी आप सेटअप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक सिंपल सा एक लैपटॉप हो तो आपका सबसे छोटा वाला बजट है आपके लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदना और हेडफोन, बस और कुछ नहीं है। बाकी नॉर्मल म्यूजिकल नॉलेज जो हम लोग माउस से आजकल बना के क्लिक करके हम लोग बनाते हैं, तो वो सब आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी शुरू कर लो आप, बस एक हेडफोन होना ज़रूरी है, अच्छा खासा हेडफोन होना ज़रूरी है कि ताकि आपको साउंड का जो है लेवल बराबर आपको पता चले, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं प्रोडक्शन के बाद हम लोग को मिक्सिंग करना पड़ता है, मास्टरिंग करना पड़ता है, और आजकल टेक्नोलॉजी इतना एडवांस्ड हो गया है कि इक्वलाइजर से लेकर कंप्रेसर तक सब कुछ सॉफ्टवेयर में आने लग गया, और बाकी सब जो है आपका कान का एक्सपीरियंस के ऊपर होता है कि आप कैसे मिक्सिंग कर रहे हो, और जो टर्म जैसे तरीके हैं जो मिक्सिंग और मास्टरिंग करने का, अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से अच्छा क्वालिटी मिल सकता है, ठीक है। फिर सबसे ज़्यादा मेरे को ये पूछा गया है ये क्वेश्चन, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, सेटिंग अप योर ओन स्टूडियो, आपका अपना स्टूडियो कैसे आप सेटअप करेंगे? देखिए दोस्तों, सेटअप करने के लिए जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आप छोटे से छोटा शुरू कीजिए, सेव कीजिए थोड़ा थोड़ा, पहले तो आप काम सीखिए, काम सीखने के बाद आपको लगेगा कि आपका काम का क्वालिटी कितना अच्छा, और आपको खुद लगना चाहिए कि आपका क्वालिटी पहले आप क्या थे और अभी कहाँ तक पहुँचे आप खुद, दूसरों से मत पूछे कि मेरा काम कैसा लगा आपको, ऐसे तो मतलब आप अपना कॉन्फिडेंस नीचे कर रहे हो। आप अपने आप से खुद पूछिए और अपने आप को निहारिए और देखिए कि आपका क्वालिटी कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुका है, फिर उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि आप अगर ये बेच सकते हो या नहीं बेच सकते, आपका जो काम किया आपने वो नहीं कर सकते, मतलब किसी को बेच सकते हो, उसमें पैसा बना सकते हो, तो ये सब इन्वेस्टमेंट होता है आपका, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। डेफिनेटली पेशेंस रखिए अपना, आप सब्र रखिए और उसके बाद सीखिए, और उसके बाद स्लोली स्लोली एक एक चीज़ आप हर महीने या हर दो तीन महीने में आप पैसा बचाने के बाद आप खरीद सकते हो, ठीक है। अब इतना तो मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर ये आपको हेल्प किया तो डेफिनेटली आप कोशिश कीजिए,
काम शुरू कीजिए। मैं यही बोलूँगा कि जो भी आपको करना है पहले बेसिक से शुरू कीजिए। जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था बेसिक्स के बारे में बताया था, वो पहले शुरू कीजिए, उसमें आप माहिर बन जाइए। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली एक एक स्टेप करके, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर पढ़िए, फिर सॉफ्टवेयर के बाद मतलब डॉ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन पढ़िए, फिर उसके बाद आगे जाके हार्डवेयर के ऊपर आएंगे हम। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये हेल्प किया रहेगा। जो भी इधर नया नया आया हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आपको पेट्रियन में आना है मेरे से, अगर स्पेशली ऐसे 1-to-1 आप कॉन्फ्रेंस कॉल करके आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको सीखना है FL स्टूडियो, मैं पर्सनली सिखा भी सकता हूँ। एक छोटा सा अमाउंट है मंथली, इसके हिसाब से आप सीख सकते हो। तो patreon.com में DJNEO जाके ढूंढिए, आपको मिल जाएगा और मैं आपका ट्यूटर बन सकता हूँ उसमें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये हेल्प किया रहेगा, ये जो टॉपिक आज मैंने बात किया, ये क्वेश्चंस रिगार्डिंग डॉ, होपफुली आपको पसंद भी आया होगा। लाइक कीजिए और मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। थैंक यू।